हमीरपुर नगर परिषद में सरकार द्वारा चार मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई गई। टाउन हॉल परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर, एडीसी अनुपम ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्ष सरोचना देवी, उपाध्यक्ष दीप कुमार भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नए मनोनीत सदस्यों में विधि चंद, शकुंतला दिमान, संदीप भारद्वाज, मनोज कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगी। शपथ लेने के बाद सभी मनोनीत पार्षदों ने नगर परिषद के वार्ड में विकास कार्य में गति लाने के लिए काम करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई और लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करने की बात भी कही। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश सरकार और भाजपा के आला नेताओं का धन्यवाद भी किया। मनोनीत पार्षद चुना गया, इसके लिए मैं पार्टी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और विधायक जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और धूमल जी का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस लायक समझा और मैं अपने वार्ड को विकास की गति के नजर से बड़े अच्छे तरीके से सात से पांच से चुना गया हूँ। और पहले तो मैं बीजेपी भाजपा का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा। बाकी मेरी जो बाढ़ की समस्या है, सीवरेज वगैरह, रास्ते और नालों को नॉमिनेट हूँ और बाढ़ में जो कोई भी लोग काम बकाया रहा होगा उसको मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा और सरकार की तरफ से और भी विकास कार्यों करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं सरकार के अपने विधायक नरेंद्र ठाकुर जी का आभारी हूँ, साथ में नगर परिषद मुख्यमंत्री और भोला मुद्दा जी का आभारी हूँ जिनकी वजह से मैं आज इस पद पे पहुंचा हूँ। मंडल के अध्यक्ष ठाकुर जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने भी इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए काफी मेहनत की और आभारी रहूंगा मंडल के सभी सदस्यों का। भाजपा मंडल में मेरा पूरा सम्मान रहा हूँ। वहीं विधायक नरेंद्र ठाकुर ने नए मनोनीत पार्षदों को बधाई दी और कहा कि बीजेपी ने इस बार उन वार्डों से मनोनीत पार्षद बनाए हैं जहां से बीजेपी का पार्षद नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा का पूरा प्रयास रहेगा कि हमीरपुर शहरवासियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए सभी पार्षद मिलकर काम करेंगे। कई लोगों ने अपनी मलकीत में बिल्डिंग बनाई है लेकिन नक्शे के आधार पर नहीं बनी है, आप उसको भी इलीगल इंस्ट्रक्शन के रूप में ले सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि सरकारी जगह भी तो पेंटिंग बनी है तो वो तो डेफिनेटली की डेफिनेशन में आएगी आएगी। पीछे शहर में एक एपिसोड भी हुआ था और जो डिजाइन करके गुजारने की कोशिश भी की गई थी लेकिन फिलहाल वो मैटर कोर्ट में चला गया है और कोर्ट से स्टे आ गया है। ऐसे आज का कोई ऐसा कोई सामना कोई सरकारी जमीन पर या जिसके इम्प्रूवमेंट की है और लीगली उस डेफिनेशन में आता होगा तो हमारी तरफ से प्रयास रहेगा कि लोगों को असुविधा ना हो और जहां भी पॉसिबल हो कोर्ट का भी आदेश है उसका पालन भी किया जाए। ये मैं आपको स्पष्ट रखता हूँ।